इंटरकास्ट मैरिज में अगर प्रॉब्लम हो तो क्या करें, क्या सही है लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज, मैंने अपने रिलेशनशिप में क्या गलतियां की जिनसे आप सीख सकते हो, क्या सिर्फ खूबसूरत लोगों से ही प्यार होता है और ये प्यार है या फिर लस्ट है, कैसे पता चले कि डीप इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए कोई इंसान आपके लिए सही है, रिलेशनशिप प्यार मोहब्बत शादी के साथ जुड़े हुए आपके ये सारे सवाल और भी बहुत कुछ सवालों का संडे के इस एपिसोड में। Everybody, this is Autopoint. मेरा नाम है नवजोत सिंह एंड इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलती हैं स्टाइल, फिटनेस एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट जैसे टॉपिक्स पे जो कि आपको हेल्प करती हैं बैडएस बनने में। फ्यूचर वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर लेना। ओके, सो आज का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है। आज हम इंटीमेट रिलेशनशिप्स एंड उनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। मैंने एक गलती कर दी कि अपनी कम्युनिटी पोस्ट में और जो मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट होती है उसमें जब मैंने आपको टॉपिक बताया तो उसमें मुझे ये मेंशन कर देना चाहिए था कि अगर आप अपना नाम हिडन रखना चाहते हो तो मुझे बता दो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो ऐसा करेंगे कि इस वीडियो में सभी के नाम, जितने भी क्वेश्चन मुझे आए हैं सभी के नाम मैं हाइड कर दूंगा फॉर प्राइवेसी से। सो आज का पहला सवाल ये भाई साहब पूछते हैं कि इनकी एज 32 इयर्स है, इनकी मैरिज 19 साल में हो गई थी और फैमिली के कारण इनका पार्टनर इनके मन के जैसा नहीं है, शायद अरेंज मैरिज हुई है इनकी, तो इस सिचुएशन में क्या करें। ओके, सो भाई साहब आपके क्वेश्चन से मुझे जो पहला इंप्रेशन मेरे दिमाग में आया वो ये कि आपकी अगर आप अपनी शादी में सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है तो उसका रीजन आप अपनी फैमिली को मानते हो। मैं चाहे आपको पर्सनली जानता नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं ये बात बोल सकता हूं कि आपको जबरदस्ती पकड़ के मंडप पे नहीं बिठाया गया होगा, तब आपकी राय जरूर पूछी गई होगी और आपने हां बोला है तभी आपकी शादी हुई है। तो सबसे पहली बात जो मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में बिठाओ वो ये कि आज आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हो, जैसे भी रिलेशनशिप में हो, उसकी वजह आप खुद हो। और ये बात मैं इसलिए चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में बिठाओ कि जब आप अपनी जिस भी सिचुएशन में आज आप हो ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद के ऊपर लोगे, तब आप जाके उस सिचुएशन को सुधारने की तरफ कोई कोशिश करोगे। कुछ आपकी मेंटेलिटी उस तरह की होगी कि मैंने इसको सुधारना है, नहीं तो आप जैसे अभी आप ब्लेम कर रहे हो ना अपनी फैमिली को, सारी जिंदगी आप सिर्फ ब्लेम ही करते रहोगे। अब दूसरी चीज, आपको लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके मन मुताबिक नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब हमारी शादी बहुत ही अर्ली एज में हो जाती है ना, जैसे कि आप 19 साल में आप बोल रहे हो, 19 साल बहुत कम एज है ये मैं मानता हूं, लेकिन 19-20 साल में हमें हमारे बहुत सारे सपने होते हैं, हमने बहुत सारे ख्वाब देखे होते हैं, हमें लगता है कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो इस तरह का होगा, उस तरह का होगा। शायद हो सकता है कि आपकी नजर में उस टाइम कोई लड़की हो या फिर इवन लड़कियां हो जिनको आप पसंद, जिनको आप देखते हो अपने पोटेंशियल पार्टनर के रूप में। तो होता क्या है कि आप जैसे केस में ना बंदा फिर बाद में उस सिचुएशन को अपनी करंट सिचुएशन के साथ कंपेयर करता रहता है कि मुझे शायद वो चीज मिल सकती थी, मुझे शायद वो चीज मिल सकती थी, और जिस सिचुएशन में मैं आज हूं, जिस तरह का पार्टनर मेरा है वो वर्स है उस तरह के पार्टनर से जिस तरह से मैंने इमेजिनेशन की थी। लेकिन अक्सर ही ये ना हमारा एक भ्रम साबित होता है, जो चीज हमें मिली नहीं उस चीज के साथ एक मेंटल कंपैरिजन में मत पड़िए। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात कि ये जो आप बोल रहे हो ना कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरे मन मुताबिक नहीं है, तो वो मन मुताबिक ना होने का रीजन क्या है, ये आप सेल्फ एनालिसिस करिए। अगर तो ये रीजन उनका सिर्फ आउटर अपीयरेंस है, उनकी लुक्स है, तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। क्यों आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो? क्योंकि जो लुक्स होती है ना, जो आउटर अपीयरेंस होती है, वो उसकी अट्रैक्शन बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। ये मत सोचिएगा कि जैसी आपके पिक्चर आपने अपने दिमाग में बिठाई हुई थी, अगर वैसी आउटर अपीयरेंस वाली लड़की कोई आपके साथ रिलेशनशिप में होती तो आप उसके साथ बहुत ज्यादा खुश होते, ये आप गारंटी नहीं ले सकते। किसी के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो इंसान अंदर से कैसा है, और अगर जिस तरह का इंसान वो अंदर से है, मैं आपके पार्टनर की बात कर रहा हूं, वो आपको पसंद नहीं है, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप बैठ के कम्युनिकेट कीजिए, आप उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको ठीक नहीं लगती। ये तब बात कीजिए जब आप में, मतलब कोई हीटेड आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। आप आराम से बैठ के, जब सब कुछ सही है, सब कुछ नॉर्मल है, तब बैठ के आप आराम से बात कीजिए, तो इस तरह से आप किसी सोल्यूशन पे पहुंच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भाई साहब कहते हैं कि इनकी एक क्लासमेट है जो इनको देख के स्माइल करती है, मजे हैं तुम्हारे, मेरी इतनी किस्मत नहीं थी, और शायद ये उनको पसंद करती है, मतलब लड़की शायद इनको पसंद करती है, लेकिन सोसाइटी की वजह से खुद को रोक रही है। सो भाई, जैसा आपने बताया कि लड़की आपको देख के स्माइल करती है, तो इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि वो आप में इंटरेस्टेड है। आप अपनी तरफ से अपने आप में ना एक अजम्पशन मत लगाइए कि वो इसलिए अपने आप को रोक रही है या फिर क्या कर रही है, ठीक है। लड़कियां पहल नहीं करती, वो आपको स्माइल अगर मान लो पास करती है तो
तो वो आगे क्या करे, है ना, आगे तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। इस केस में सबसे बेस्ट ये है कि आप लड़की से जाके बात कीजिए, ठीक है, और बात ये नहीं होनी चाहिए कि मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये बातें नहीं चाहिए, ठीक है। आप उनके साथ पहले कंफर्ट लेवल बनाइए एक, ठीक है, थोड़ी बहुत जान पहचान कीजिए, थोड़ा बहुत कंफर्ट लेवल बनाइए, और उसके बाद देखिए कि आपका जो एक बॉन्डिंग है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, और उसके बाद आप कोई नेक्स्ट स्टेप जाके ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये भाई साहब कहते हैं कि हार्ट ब्रोकन होने की वजह से इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं, मतलब कि ये जल्दी से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो क्या इस सिचुएशन में किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना सही है? मेरे ख्याल से नहीं सही। सबसे बढ़िया सिचुएशन तो ये रहेगी कि आपके पास्ट में जो भी हुआ ना उसके बोझ को आप उतारिए, ठीक है, उस बोझ के साथ आप नए रिलेशनशिप में जाओगे ना तो उस रिलेशनशिप में भी आप प्रॉब्लम्स फेस करोगे, तो उससे मूव ऑन होइए पहले। और उसके लिए जो एक सबसे बढ़िया जो आप में ऑलरेडी बात है कि आप में सेल्फ अवेयरनेस है कि आप में वो इशू है, आप में ट्रस्ट इश्यूज हैं, ये आपको पता है, और कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जो पहला कदम होता है वो है सेल्फ अवेयरनेस, कि हमें अवेयरनेस है कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, तो अच्छी बात है कि आपको सेल्फ अवेयरनेस है, पहले इससे मूव ऑन होइए फिर आप किसी नए रिलेशनशिप में पड़िए मेरे ख्याल से। ओके, सो अगला क्वेश्चन ये भाई साहब कहते हैं कि इनके एक गर्लफ्रेंड है, ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लड़की है वो थोड़ी सी हायर लाइफस्टाइल, उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर है, और ये भाई साहब अपने आप को उनके लायक नहीं समझते। इनके क्वेश्चन से ये भी लगता है कि अभी ये कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं। यार इस केस में लड़की क्या डिजर्व करती है नहीं करती है, आप लायक हो कि नहीं हो, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले ही जो बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लग रही है कि आपकी आपकी खुद के नजर में जो एक सेल्फ इमेज है ना वो ज्यादा अच्छी नहीं है। आप अभी जितना भी कमाते हो, मेरे ख्याल से अभी आपकी जॉब नहीं लगी तो आप कमाते नहीं हो, लेकिन जितना भी आप कमाना शुरू करोगे ना उससे आप हजार गुना ज्यादा भी जब कमाना शुरू कर दोगे तब भी आपकी जो फीलिंग है ये सेम ही रहेगी कि आप उसके लायक नहीं हो। और उसका रीजन ये नहीं है कि आप अभी कमाते नहीं हो या फिर कम कमाते हो, उसका रीजन ये है कि आपकी सेल्फ इमेज आपकी खुद की नजर में अच्छी नहीं है। आपको लगता है कि वो जो लड़की है वो एक बेटर इंसान, आपसे बेटर इंसान डिजर्व करती है, आप डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, वो लड़की डिसाइड करेगी कि उसने किस इंसान के साथ रहना है, और अगर उसने आपको चूज किया है तो जाहिर सी बात है कि आप में कोई चीज ऐसी है जो उसको पसंद है। तो सबसे जरूरी चीज जो मुझे लगती है कि आप अपनी सेल्फ इमेज के ऊपर काम कीजिए, ठीक है, अभी आप कमाते नहीं हो, होपफुली आप कमाएं, बहुत ज्यादा कमाएं, और साथ ही साथ अपने आप को इंप्रूव करने की तरफ, एज अ पर्सन इंप्रूव करने की तरफ ध्यान दें, तो बाकी की चीजें They'll fall into place. Don't worry. Next question ये भाई साहब पूछते हैं, healthy and long time relationship के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारे काम भाई, बहुत सारे काम, लेकिन यहां बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट काम के, आपको अपने खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अपनी खुद की जो प्रॉब्लम्स हैं खुद में, अगर आप में जेलसी है, अगर आप में गुस्सा है, अगर आप में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं जो नेगेटिव प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप खुद के ऊपर काम करोगे तो सब कुछ सही है। रिलेशनशिप्स के मामले में मैं खुद के ऊपर काम करने को इतना ज्यादा एम्फेसाइज इसलिए करता हूं क्योंकि अक्सर क्या होता है कि रिलेशनशिप में ना हम दूसरों को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, किसी के साथ अगर हम रिलेशनशिप में है ना तो हम चाहते हैं कि वो हमारे मुताबिक बन जाए, जो कि मेरी नजर में एक बहुत ही अनरियलिस्टिक एंड अनहेल्दी एक्सपेक्टेशन है। आप खुद के ऊपर काम करो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहो, अपनी कमियों को एडमिट करो बिल्कुल ऑनेस्टली, एंड उनको दूर करने के लिए लगातार कोशिश करते रहो, आपके साथ जो रहने वाले हैं आपसे खुशी रहेंगे। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम दो तीन लोगों ने भेजी है कि अगर इंटरकास्ट मैरिज में अगर प्रॉब्लम हुई तो क्या करें, अगर दो लोग एक साथ रहना चाहते हैं और उनकी कास्ट अलग अलग है तो फिर क्या किया जाए, क्योंकि ऐसे केसेस में मोस्टली घर वालों की अप्रूवल नहीं होती, और कुछ लोग मुझे ये भी बोल रहे थे कि क्या हमें घर से भाग के शादी कर लेनी चाहिए। नाउ वीडियो का ये वाला पोर्शन तुम लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, अगर उनको इस बात से आपत्ति है कि जहां पे तुम शादी करना चाहते हो, चाहे वो इंटरकास्ट की प्रॉब्लम चाहे कुछ भी प्रॉब्लम है, वहां पे वो राजी नहीं है। क्यों राजी नहीं है? क्योंकि उनको लगता है कि अगर आपने शादी की तो समाज में उनकी बेइज्जती हो जाएगी। अगर आपके पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं तो प्लीज ये वाला जो पार्ट है छोटा सा, ये प्लीज उनको दिखाइएगा, ठीक है। सो हिंदुस्तान में जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे शादी के लायक हैं, वो शादी अपनी मर्जी से करना चाहते हैं लेकिन आपको आपत्ति है, सबसे पहले तो चरण स्पर्श, ठीक है, मैं बहुत छोटा हूं आपसे लेकिन कुछ बातें मैं आपसे करूंगा, प्लीज थोड़ा सा खुले दिमाग से आराम से बैठ के सोचिएगा। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूं, बहुत अच्छे से वाकिफ हूं कि अगर हमारे बच्चे ने अपनी मर्जी से शादी की तो हो सकता है कि समाज में बहुत सारे लोगों को या फिर कुछ रिश्तेदारों को, हमारे अपने रिश्तेदारों को आपको कुछ बात सुनाने का मौका मिले, आपको नीचा दिखाने का मौका मिल जाए, ये बात मुझे पता है, ठीक है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि क्या हम अपने घर के फैसले, अपने बच्चों की जिंदगी के फैसले उन लोगों के हिसाब से करेंगे जो कि हमें इस ताक में रहते हैं कि कब हमें नीचा दिखा सकें? क्या हमारे लिए हमारे बच्चों की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर उन लोगों की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि
हर टाइम इस ताक में बैठे हुए हैं कि कब आपको नीचा दिखा सके। ये सवाल आपने अपने आप से करना है पहले। मैं आप सब लोगों से बहुत छोटा हूं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि दूसरों को हम इंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, और उन लोगों को हम इंप्रेस करने की कोशिश में हैं जो कि हमारा भला चाहते ही नहीं। हम इंप्रेस ही तो करना चाहते हैं ना कि देखो मेरे बेटे की शादी, मेरी बेटी की शादी इतने बड़े घर में होगी, ये हो गया वो हो गया, लेकिन सोच के देखो कि किसको पड़ी है। हो सकता है कि आपके मुंह पे आपकी वाहवाही कर दें, आपकी तारीफ कर दें, लेकिन उन्होंने पीठ पीछे जाके फिर भी बातें करनी है। तो इस बात को समझिए प्लीज कि जिन लोगों ने बातें करनी है ना, जिन लोगों का मन आपके प्रति नेगेटिव है, उन लोगों ने बातें करनी ही करनी है, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो सवाल मेरा ये है कि क्या ऐसे लोगों को इंप्रेस करने के लिए अपने बच्चों की खुशी के अगेंस्ट जाना हमारे लिए सही है कि गलत है? बस ये एक छोटा सा सवाल और एक छोटी सी अर्जी लेके आया हूं मैं आपके बेटे या फिर बेटी की तरफ से आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भाई साहब पूछते हैं, क्या बेस्ट है लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज? देखिए भाई साहब, लव मैरिज अरेंज मैरिज की बात में करते हैं, पहले ये बात करते हैं कि मैरिज के लिए क्या चीजों की जरूरत है। सबसे जरूरी चीज जो मेरी नजर में है, अनकंडीशनल लव एंड केयर। उसके बाद चीजें आती हैं अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, केयर एंड विलिंगनेस टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल लाइफ इन पार्टनरशिप। और अरेंज मैरिज में ये सारी चीजें मिलना मेरी नजर में तो इम्पॉसिबल है। उसका रीजन क्या है, मैंने बात की कि हमें चाहिए अनकंडीशनल लव एंड केयर, एंड अरेंज मैरिज की नींव ही कंडीशन बेस्ड होती है। कंडीशन बेस्ड क्या होती है, हमें लड़की चाहिए खूबसूरत, गोरी और घर का काम काज संभालने वाली, हमें लड़का चाहिए इतने पैसे कमाने वाला, हमें लड़का चाहिए इस प्रोफेशन का, हमें लड़की चाहिए इस घर आने की। तो बिफोर के आप किसी से रिश्ता जोड़ें, उससे पहले ही आपकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, और वो कंडीशंस अगर मीट होती हैं तब आप विलिंग होते हो किसी के साथ रिश्ता जोड़ने को। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो कंडीशन बेस्ड रिश्ते होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा डीप नहीं होते, वो सुपरफिशियल होते हैं। सुपरफिशियलिटी के ऊपर बेस्ड रिश्तों में आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, ये मेरा मानना है, ठीक है। हो सकता है कि आपको लाखों लोग मिल जाएं जिनकी अरेंज मैरिज हुई है, जो ये आपको बोलेंगे कि वो अपने रिश्ते में बहुत ज्यादा खुश हैं, ठीक है। वो खुश हैं या नहीं खुश हैं ये वो दो लोग ही जानते हैं, ठीक है, तीसरा कोई नहीं जानता। समाज में अपने डम डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए ये बोल देना कि मैं बहुत खुश हूं, ये एक अलग बात होती है, और वाकई में कोई खुश है या नहीं खुश है वो उसको खुद को ही पता। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि लव मैरिज में कोई कमियां नहीं होती, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होती। आप लव मैरिज की तो ये गारंटीड है कि आप खुश ही रहोगे, लेकिन मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लव मैरिज में जो क्वालिटीज एक अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए जरूरी हैं, वो क्वालिटीज आने के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू अरेंज मैरिज। अब वो क्वालिटीज आप लेके आ पाते हो अपने रिलेशनशिप में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भाई साहब पूछते हैं, बेस्ट टाइम टू गेट इनटू ए रिलेशनशिप। भाई साहब ये कोई बेस्ट टाइम नहीं होता, जब आपको लगता है, जब आपको कोई ऐसा मिल जाता है जिसके साथ आपको लगता है कि आपकी बॉन्डिंग बन सकती है, तो वही टाइम बेस्ट टाइम है। ऐसा नहीं है कि आपको, हाँ ऐसा होता है कि यहाँ पे ना हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि अगर आप 22 साल के हो या फिर आप 25 साल के हो तो आपको रिलेशनशिप में होना चाहिए, या फिर पीयर प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको रिलेशनशिप में तब पढ़ना चाहिए जब आपको लगता है कि आप बिल्कुल रेडी हो। वो 25 साल की एज में हो सकता है, 30 में हो सकता है, 40 में भी हो सकता है, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट ये भाई साहब पूछते हैं, यंग एज में रिलेशनशिप के लिए एडवाइस, एंड जो अगर मैंने कोई मिस्टेक्स की हैं वो मैं आपको बताऊं जो जिससे कि आप सीख सकते हो कुछ। नाउ यंग एज में रिलेशनशिप को कुछ लोग खराब बोलते हैं, इन एंड ऑफ इटसेल्फ ये कुछ सही या फिर गलत नहीं है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जो लोग उस रिलेशनशिप में हैं वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। जैसे कि पॉजिटिव साइड की अगर हम बात करें तो आपको एक टारगेट मिल सकता है। सपोज करो कि आपने किसी से शादी करनी है और आप सोच रहे हो कि आपको उसके लायक बनने के लिए या फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लायक बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपनी लाइफ के साथ, तो आपको एक टारगेट मिल सकता है जिसको आप अचीव करने के लिए कोशिश कर सकते हो, आपको मोटिवेशन मिल सकती है। लेकिन इसका नेगेटिव साइड ये भी हो सकता है कि आपको अपने रिलेशनशिप के अलावा और कुछ सूझे ही ना, आप अपनी पढ़ाई अपने करियर को एकदम भूल ही जाओ। तो ये डिपेंड करता है कि जो लोग उस रिलेशनशिप में हैं वो इस मामले को किस तरह से हैंडल करते हैं। मेरी अगर मिस्टेक की बात करें तो यही मिस्टेक जो मैंने आपको बताई है वही मिस्टेक मैंने की, जो आपने नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भाई साहब पूछते हैं, जो लड़कियां खूबसूरत होती हैं क्या सिर्फ उनसे ही प्यार होता है, इज दिस लव और लस्ट? ओके, सो ये बात मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में बिठा लो अच्छे से कि जो एक्सटर्नल लुक्स होते हैं ना, ऐसा नहीं कि उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। जो एक आप इनिशियल अट्रैक्शन फील करते हो ना, वो एक्सटर्नल लुक्स के बेसिस पे ही करते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल लुक्स के बेसिस पे ही किसी रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसा 100% पॉसिबल है कि कोई इंसान बाहर से देखने में बहुत आपको अच्छा लगे, लेकिन आप उसके साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं और आपको उसकी कंपनी बिल्कुल भी अच्छी ना लगे। और यही चीज रिवर्स में भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि कोई इंसान आपको उतना ज्यादा अट्रैक्टिव इनिशियली ना लगे उसके एक्सटर्नल लुक्स के बेसिस पे, लेकिन जैसे ही आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करें
तो आप उसके बिना रह ही ना पाए। ऐसा इसलिए होता है कि हम एज ह्यूमंस एक्सटर्नल लुक्स के अलावा भी बहुत सारी चीजों को वैल्यू देते हैं, जैसे कि कोई इंसान कितना ज्यादा काइंड है, कितना ज्यादा केयरिंग है, कितना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वो दूसरों के प्रति किस तरह का उसका व्यवहार है, ये सारी चीजें मिलके, जो भी चीजें किसी पर्सनैलिटी को मिलके अट्रैक्टिव बनाती है ना, वो सारी चीजें काउंट करती हैं। तो कोई लड़की या फिर कोई लड़का हो सकता है कि आपको इनिशियली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, लेकिन अगर उसमें ये सारी क्वालिटीज जो दूसरी क्वालिटीज हैं वो उतनी ज्यादा नहीं है, तो हो सकता है कि बाद में आपको वो बिल्कुल भी, उसका जो अट्रैक्टिव चेहरा है ना वो आपको दिखेगा ही नहीं। इसीलिए तो मैं बार बार बोलता हूं कि जो अरेंज मैरिज है ना उसका बेसिस ही गलत है। हम लुक्स के बेसिस पे ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि किसी इंसान के साथ हम रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते आप। और दूसरी चीज जो आपने पूछी कि क्या ये प्यार है या फिर लस्ट है, दोनों ही वर्ड्स अप्रोप्रिएट नहीं है मेरे हिसाब से, सिर्फ एक अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भाई साहब पूछते हैं, हाउ टू नो इफ द पर्सन यू लाइक इज राइट फॉर यू। अभी आप बोल तो रहे हो कि आप लाइक करते हो किसी को, तो मेरे हिसाब से ये वजह काफी है, प्रोवाइडेड के वो लाइक करना सिर्फ देखा देखी वाला लाइक करना नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो, उसकी कंपनी आपको अच्छी लगती है, उसमें जो क्वालिटीज हैं वो आपको अच्छी लगती हैं, अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छी पार्टनरशिप डिवेलप कर सकते हो, तो यस। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस। अगर आपका भी कोई सवाल है या फिर आपका कोई सवाल मुझसे छूट गया तो आई एम सॉरी यार, आप मुझसे डायरेक्टली मेरे सोशल मीडिया पे बात कर लीजिएगा। मजे करो जिंदगी के, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।